लड़ाई हो गई भयंकर, एक बार चल के देखते हैं। जल्दी आ जाओ भाई। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होंगे, मजे कर रहे होंगे। आज हमारे भैया का जन्मदिन है, जतिन शर्मा का बर्थडे है। और इस एज में जनरली लोग अपने घर पे टिकते नहीं है जन्मदिन वाले दिन, है ना, कुछ पार्टी चल रही होती है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारा भैया सो रहा है। मैंने कहा यार सो कैसे सकता है भाई जन्मदिन वाले दिन इंसान, मतलब जन्मदिन का तो एक होता है थोड़ा सा क्रेज सा रहता है कि भाई बर्थडे है ना, पर सो रहा मस्त। मैं तो चुपचाप घर से नहा के ऐसे चुपचाप चोरों की तरह निकल के आया हूँ। मम्मी भी सो रही थी, दादा भी सो रहा था, मैंने कहा कहीं उठ ना जाए, इसलिए आराम से चुपचाप निकल आया बिना डिस्टर्ब करे। फिर मैंने सोचा, नहीं सोचता मैंने पहले लिया था कि कुछ बढ़िया सा गिफ्ट लेने जाता हूँ, अब जाके एक बार देख के आता हूँ कुछ समझ में आ गया तो। मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक्चुअल में मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या गिफ्ट दूँ। और ये गिफ्ट गाड़ी का सीन था, पर उसमें यार टाइम लग रहा है यार, ये गरीबी का एहसास हो रहा है मेरे को इसका मतलब। क्योंकि अगर ऐसे होता कि 1,000 करोड़ रुपए पड़े हैं तो फिर तो कुछ भी ला के दे दो, है ना। पर अभी ये है कि अगर कोई तुम महंगी गाड़ी सोच रहे हो तो वो एकदम से प्लान करना फ़ायदा है नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा हूँ मैं, और तो कुछ नहीं। पर हाँ, इस बात का एहसास हुआ कि बहुत पैसे की ज़रूरत है अभी ज़िंदगी में। पैसा वैसे कितना भी कमा लो कम ही पड़ जाता, पर चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब एक मिनट में ऐसा, ये ले भाई, ऐसी चीज भी होएगी, कभी ना कभी तो आएगा, खैर 100% आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी और तो क्या है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक बार दिल्ली के सबसे महंगे मॉल में जा रहा हूँ जहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ। क्योंकि मैंने सोचा कि इसको वैसे तो कुछ और चाहिए नहीं, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं, गाड़ी वाड़ी भी अपने पास है, सब कुछ है, ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ है नहीं, गाड़ी नहीं है या बाइक नहीं है, सब कुछ है। पर मैंने सोचा ये ना कभी भी अपने खुद वैसे जाके एक्सपेंसिव चीज़ें वैसी नहीं खरीदेगा, जैसे मैं मेरे को शौक है गुची का पर्स खरीद लिया, भाई बेल्ट ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, इसको नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ ले आऊँ जो ये खुद से तो खरीदेगा नहीं, तो वो गिफ्ट भी हो जाएगा और वो इस पे हाथ में भी अच्छी लगेगी चीज़। तो एक बार चलते हैं देखते हैं, कुछ समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो फिर अपना घर वापसी है, ऐसे के ऐसे जैसे जा रहा हूँ, ठीक है। परसों वाले व्लॉग में मैंने पूछा था कि किसी के बाल वाल टूट रहे हैं लड़कों के, तो बताना कमेंट करके। और बहुत सारे लड़कों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि भाई बाल टूट रहे हैं, मेरे भी टूट रहे हैं। और मेरे को दिल से इतनी खुशी मिली ना, मैंने कहा यार बस यही सुनना था, क्योंकि तसल्ली मिल जाती है कि हाँ भाई सबके ही टूट रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला गंजा हूँ, होंगे तो बहुत सारे एक साथ होंगे कि सब घर घर में एक टकला आदमी है भाई, ऐसा सा हो जाएगा अगर होएगा तो, नहीं तो फिर अपना थोड़े दिन टूटेंगे फिर उसके बाद वैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि मम्मी तो मेरे से ऐसे कहती है भाई एक टूटता है तो वहाँ दो आ जाते हैं, इस बात में कोई लॉजिक मेरे को समझ आता नहीं है, पर मम्मी है तो मैं मान लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है मम्मी आप कह रहे हो तो होता होगा। जय सिया राम भाई, जो ये आंटी की जो आवाज है ना और जो गाने हैं बहुत ही गजब, मतलब एक नंबर। ओम वाली हाँ सुन रखी है मम्मी जी, सारे सुन मैंने सुन रखी, क्या बात कर रहे हो यार, एक बार सुन के गाइज फिर दोबारा आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है, एक बार ये सुन लूँ, क्योंकि आंटी की इसकी आवाज़ बहुत बढ़िया, आंटी की इनकी आवाज़ बहुत बढ़िया, और क्या नाम है, म्यूज़िक गजब, मतलब ऐसा है कि लंबा सुन लो म्यूज़िक, चाहे 2-3 घंटे चला के बैठ जाओ तो चुभता नहीं है, एक तो हो जाए दुम 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 दुम, एक है सॉफ्ट म्यूज़िक, बहुत प्यारा, बहुत सही, मम्मी ने सही पकड़ रखी। एक एक जो आदमी सा ना वो खतरनाक से जो आप सुनते रहोगे बस, वो डेंजर है, बस वो अजीब है, बाकी ये आंटी बढ़िया है। केक खाते खाते देख रहे हो हैं, केक खाते खाते एंजॉय क्या करूं हैं। अरे वो आज थोड़ी थकान सी हो रही है, पता ना क्यों, बीच बीच में वो डॉक्टर ने बोला है कि भाई अब कुछ कुछ सिम्टम्स तुम्हें दिखते रहेंगे आने वाले टाइम में, अब कुछ कुछ होता रहा, कभी थकान रहेगी कभी कुछ, आज तो ऐसा कुछ काम भी ना करा, आज तो लेटे लेटे ही थकान होगी बताओ, तो वो वाली सीन है। अब ये सब तो चलता ही रहेगा मम्मी जी, क्या कर सकते हैं। केक मज़ा आ रहा है भाई, बिल जो केक खा रही है ना ये वाला, तो ये बिल्कुल कम मीठा, मतलब थोड़ा सा मीठा है, वैसा नहीं है कि ऐसा हो जाए कि मीठा मीठा ज़्यादा खा लिया, और कितना ही खा लो ऐसा वाला टेस्टी है। अरे यार म्यूज़िक तो रहेगा आपका गाइस, ये वाला है जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सुनना हो तो सुन लेना किसी को अपने घर। ऐसे कैसे काम चलेगा मम्मी जी, आप तो ऐसे करके फिर क्या सास बनोगे आप, जरूरी सास बनना, माँ भी बन सके। अरे यार ऐसे थोड़ी मजा आता है, YouTube पे भी तो कंटेंट चाहिए, सास बहू की हुई लड़ाई, YouTube पे कंटेंट देने के लिए हम नाटक कर लेंगे ना। नाटक कर लोगे नाटक करने में तो मैं नंबर 1 हूं। वो तो आपकी बात ठीक है, आप हैं, आपने एक दो बार करा है एक्ट बस आज तक वीडियो में, उसमें भी आपने ना समझ लो पहले जो शुरू में जैसे कोविड के टाइम पे भाई वीडियो में माँ के रोल में चाहिए, और मम्मी ने, मैं कहा मम्मी ऐसे बोलना डायलॉग,
मम्मी अपने ही तरीके से बोल रहे हो कि मेरे से ऐसे ही बोला जावे। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई मम्मी, आप ये कैसा एक्टर बनोगे कि अगर डायरेक्टर बोल रहा है कि मम्मी ऐसे बोलना है, मम्मी कह रही मेरे से तुझे ऐसे बोलना है, मतलब ऐसे बोलना है, मैं बोलूँगी ऐसे बिल्कुल अलग ऑपोजिट। चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइज, अभी सीन क्या है कि घर पे एक पार्टी है हमारे, हाउस पार्टी होएगी, तो उसका अभी सामान आया नहीं है। सामान मतलब सब लोग, सारे बच्चे आएंगे अभी, सारे मौसी आ रही हैं, तो सब लोग जो आ रहे हैं एक बार इकट्ठे होएंगे जतिन का, फिर यहाँ केक वेक काटेंगे। दूसरी चीज़, जतिन खुद यहाँ नहीं है, रीज़न उसकी एक और पार्टी है यार दोस्तों वाली, उसमें भाई सारे उसके जितने भी दोस्त वोस्त सब आएंगे, वहाँ पार्टी करेंगे, वहाँ खाना पीना। वहाँ तो मेरे को भी जाना है यार, मम्मी 9 बजे का है, पहुँच जाऊँगा फिर मैं एक बार। अब हम, आपने वो सामान भी तो बनवा रखा है कुछ ऑफिस पे, तो वो वाला चक्कर भी है, तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ तुम्हें, वहाँ का होगा माहौल बढ़िया, क्योंकि सब लोग होंगे बम पटाके, ऐसे आतिशबाजी चल रही होगी खतरनाक, वहीं चलते हैं सीधा, हो जाऊँ मैं एक बार, है वहाँ, है ना, आप लोग करो रेस्ट, ठीक है भाई मच्छर, उसके लिए कैब कर देंगे। भाई हमारी सोसाइटी में तो किसी की शिफ्टिंग चल रही है, पता नहीं कोई आया है या कोई जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हमें भी करनी है, अगले हफ्ते हमें भी चेंज करना है घर, बताऊंगा तो मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। दे दे यार कुछ खाने का, दे दे भाई खाने का, दे दे सब, तो लेट मैं यूं भाई, सबने खा लिया, सबने खा लिया, अलग अलग पार्टी बना रखी सबने, गैंग है, मीठे पे भी आ गई बात, मेरा आ गया भाई शाही पनीर आ गई, अब राइस वाइस ले लेता हूँ, रोटी ले लेता हूँ, वहाँ अलग पार्टी, अलग पार्टी, तू उस पार्टी में बैठा है उधर वाली में भाई, वहाँ अलग गैंग है, वहाँ अलग है, यहाँ अलग है, एक अलग थी, एक छत के ऊपर है, सब अलग अलग बैठे। थैंक्स मैन थैंक्स। चलो भाई केक काटाते हैं, आ जाओ, केक की तैयारी होगी भाई, सारे उल्टे सीधे लिखवा रहे, इस पर जितने सीधा है, इस पर इधर से घुमा देने, आएंगे ना घर, एक ही बात है, लो भाई सेट हो गया मामला, आ जाओ भाई सारे, आ जाओ भाई आ जाओ, केक काट लेते हैं एक बार, ये मोमबत्ती पिघल जाएंगी नहीं तो, आ जाओ रे आ जाओ, बर्थडे बॉय कहाँ है, बर्थडे बॉय तो पेटी चुटा रहा है यहाँ, आ जाओ भाई बर्थडे बॉय, नो भाई अब यहाँ से तुम धूंधा, अरे टेढ़ी ना हो जाए यार, चलो भुस्सी निकल गया पहले, हम ये ठीक है ठीक है ठीक है, अब बन गया पूरा केक मारा, ओ भाई सीटीएम गिर गया भाई, ओ तेरी कैसे बेटा आया लगी तो ना गिर गया एकदम, मैटर मैटर पे अपन तो शक्ल दिखा दे, शक्ल तो दिखा दे एक बार, यार भाई मिस कर दिया मैंने, चल चल ओ भाई, ओ नीचे गए नीचे नीचे, ओ भाई ओ यार मिस कर दिया, मेरा कैमरा बंद कर दे, किसकी पंडा की, हाँ हाँ चल 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 पंडा की, पंडा की सुन, पंडा लेके जा रहा किसी और को, उसके सिर्फ एक हो रहा है, और आल ढंग आधा यो की काम आएगा, बढ़िया वाला आ गए, अलग रख रखा ले भाई, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, अब लड़ाई हो गई भयंकर, एक बार चल के देखते हैं, जल्दी आ जाओ भाई, मगर चलो चलो कोई ना, मैं लगे किसी चोट लगेगी, बस 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 चलो भाई सिर पे ही मारना है, लो भाई नीचे हो रही है फाइट, खतरनाक चीता लपेट दिया हमारा, खतरनाक काम होगा सिस्टम होगा भाई, काम किसी का पक्का, किसका हुआ यो मार दिया भाई, मुंह पे मारा, ये है आपका सरप्राइज, तो एक और सरप्राइज है, मुंह तो मारा ये वाला
भाई तो बहुत खतरनाक काम चल रहा है भाई। सुन मैं तो दुबकता घूम रहा हूं, ये तो खराब करने लग रहे हैं यार के मत्ते मच्छर जो खराब ही था वो। अरे ये पंडा हाथ में देख, हाथ में लेके जा रहा देख 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 भाई गिफ्ट मिल गया भाई के भाई का वो लेके आए इसके लिए भाई पवन नेडा जितना बढ़िया लग रहा है ना गिफ्ट ले आए जच रहा है बढ़िया लग रहा है। देखा साइड में सही राज में ना देखा आज ब्लॉग में बोल रखी मैंने सुबह सुबह चश्मा भाई मैंने कल लिया चश्मा। लो भाई पार्टी निपट गई अपनी, मतलब मैं जल्दी जा रहा हूँ घर क्योंकि घर पर मौसी और भी आ रखी है, तो अभी घर वाली पार्टी तो होनी है। अगर ये जल्दी फ्री हो गया दांतला तो ये आ जाएगा, नहीं तो फिर ये सुबह ही करेंगे इसके साथ हम सेलिब्रेट। फिलहाल तो इतना ही था अपना, अपने कई सारे भाई बंधु आ रखे थे, कई दिन बाद मिला मैं कई होता तो, पर ये है कि जब ऐसे कुछ पार्टी वार्टी होती है तो मिलना होता रहता, नहीं तो पहले तो सारे साथ ही खेले करते। अब सबका ये भाई काम, जब जैसे जैसे थोड़े से बड़े हो जाओ ना सब, तो काम धंधा सब कोई अपने कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नौकरी वाला कोई बिजनेस वाला है, कोई अलग ही चीज़ है वो वाला सिस्टम है भाई। ये सारी जो गाड़ी खड़ी है अपनी खड़ी है ये इधर, मतलब लाइन से ये सारी ठीक है, और ये वाली मैं लेकर आया था अपनी छमिया, और इसके अलावा 6-7 गाड़ी वहीं खड़ी है अंदर जो कम्युनिटी सेंटर में जो पार्किंग होती है वहीं पे ही, क्योंकि जगह नहीं थी वहाँ तो इसलिए फिर सबको बाहर खड़ी करनी पड़ी, तो पूरा काफिला था ये समझ लो अपना। ओके गाइस मैं तो निकल लिया हूँ अपना घर, ये यहीं है अभी जतिन। एक चीज़ है भाई, इसके जो यार दोस्त है ना वे सारे वैसे हैं, मतलब बढ़िया वाले, मेरे यार दोस्त कम है, मतलब बहुत कम। इसके अगर मैं कंपेरिजन करूँ ना तो मेरे दोस्त कम है, इसका ऐसा है कि पूरा वो है काफिला जिसे कहते हैं यारी दोस्ती में, वो भाईचारा ऑन टॉप वाली चीज़ है। मेरे भी हैं पर कम है यार अगर इसके हिसाब से देखूँ तो, और अगर वैसे देखूँ नॉर्मल इंसानों के हिसाब से तो फिर तो अपने भी बहुत हैं, पर इसके हिसाब से कम है। और ऐसे दोस्त जो बर्थडे पे गिफ्ट भी ला दें वो भी प्राडा का चश्मा, ऐसे दोस्त तो है ही ना मेरे। मतलब ऐसे वाले सिस्टम नहीं है दोस्ती यारी में, वैसे वाले दोस्त है जो चीर फाड़ करके खाने पीने वाले, ऐसे दोस्त तो बहुत नसीब वालों को मिलते हैं यार। मेरा नसीब इतना बढ़िया है नहीं, जो मेरे दोस्त देख रहे हैं ना सारे भाई सुन लो, सारे के सारे जन्मदिन आ रहा है और गिफ्ट चाहिए बढ़िया, तभी मजा आएगा। मजाक कर रहा हूँ यार पर तुम सीरियस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी बारी है? चल चल भाई बहुत खतरनाक गेम चल रहा है गाइस, बहुत ज्यादा खतरनाक। चलो 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 किसकी बारी है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही चल रहा है सही चल रहा है। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं चलेगी भाई, नहीं चल ठीक है। भाई बहुत खतरनाक गेम चल रहा है, देखो सीरियस। अगर किसी का दर्द हो रहा हो तो पहले ही हटा लेना भाई, पहले ही बता देना अगर किसी का भी दर्द हो रहा हो तो, देख क्योंकि गेम तो सीरियस है। लाल होगा ठीक है ठीक है ठीक है, चल तो चल चल तो चल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बाद में देखेंगे भाई, गेम चल रहा है बहुत खतरनाक। ओए ओए बस ओए लग जाएगी यार किसी का। ले भाई रुक जा रुक जा रुक जा, अरे कोई से ज्यादा नहीं पसीना आ गया। चलो बस भाई बस 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 यार लग जाएगी, अब खून आ जाएंगे ज्यादा भाई। बच्चा पार्टी हमारी पूरी गैंग रेड हैंड खेल रहे थे हम। क्या मंगवाना? दही, दही मंगवाना है। ओके पार्टी का माहौल है गाइस, पार्टी का माहौल। और कुछ? ओहो यार सब बिजी है यार ये तो। चलो नितिन भी ज्यादा तेज लग गया भाई, खेल रहे थे बहुत दिन बाद खेले तो मैंने कहा थोड़ा सीरियस खेलते, ज्यादा नहीं मारे एक दो मारे और ज्यादा तेज भी थोड़ी सी तेज मारे थोड़ी सी। किसी ने पहन भी रखी है चप्पल? ना भाई। भाई ये देखना क्या चप्पल जूते निकले पड़े। बड़ा वैसा क्रेजी सीन हो रखा गाइस, अपना पार्टी चलती रहेगी। अभी तो जतिन शर्मा जी जिसका जन्मदिन है, जिसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, वो तो अभी आया ही नहीं है, उसे टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पर वो बहुत सारे लोग हैं,
तो उन्हें लगेगा टाइम वो आएगा मेरे ख्याल में 1 से 2 बजे के बाद। अभी 11:30 बज रहे हैं ऑलरेडी। तो इस व्लॉग को मैं तो कर देता हूँ यहीं खत्म। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जितने को ज़्यादा विश कर देना जिसने नहीं करा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।